हाय हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा दत्ता एंड आज सुबह मैंने एक पोल करा था जिससे मुझे पता चला कि दिसंबर में बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स हैं और सीए फाइनल के कल से ही एग्ज़ाम्स हैं। सो आई नो इट्स योर एग्ज़ाम्स, आई वोंट बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, बट आई हाईली रिकमेंड यू टू लिसन दिस ऑडियो टिल दी एंड, क्योंकि ये कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती थी आपको कि जो मैंने करी और जो नहीं करी, तो मैं इसमें वही बताऊँगी। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस ऑडियो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको अपनी रात की नींद पूरी लेनी है। आपकी जितनी भी आपकी बॉडी की मिनिमम स्लीप की रिक्वायरमेंट है, गिव इट दैट। ऐसा मत करिएगा कि आप अपनी नींद सेक्रीफाइस कर दें क्योंकि आपको पोर्शन कंप्लीट करना है। देखिए, ऑनेस्टली आपने जितना पढ़ना था अब तक आप पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक रात में आप दोबारा से एक रिविजन कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपनी प्रॉपर नींद 6-6.5 घंटे की जितनी भी आपकी स्लीप का कोटा है, वो प्रॉपर स्लीप अपने दिमाग को दीजिए। आपका माइंड वेल रेस्टेड होगा तो वो नेक्स्ट डे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन होता है तो माइंड वो सॉल्व कर पाता है बेस्ड ऑन द पास्ट, जो भी उसने पढ़ाई करी है उसके बेसिस पे। पर अगर वो वेल रेस्टेड नहीं है तो वो नहीं सोच पाएगा एक्स्ट्रा। तो इसलिए अपने दिमाग को शांत रखें, आराम से सोएं, डीप ब्रीदिंग करके रात को सोएं। सेकेंड चीज़, सुबह उठें तो पढ़ लें जितना भी आपको पढ़ना है, पर ऐसा ना करें कि लास्ट मोमेंट तक आप पढ़े जा रहे हैं चीज़ें। मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर था, 1:45 बजे से पेपर होता है, मैं 1:30 बजे नियरली वहाँ पहुँच जाती थी। तो 1:30 बजे मैं पहुँच, मेरे 5 मिनट की दूरी थी, 1:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, पर मैं 12 बजे के बाद नहीं पढ़ती थी आगे। 11:30 या 12 वॉज अ लास्ट टाइम जब मैं बुक्स देख रही हूँ, क्योंकि आप सारा लगातार लास्ट मोमेंट तक नहीं पढ़ सकते। गिव योर माइंड सम स्पेस टू रिलैक्स। आपके दिमाग ने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है, आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहेंगे तो आप अपने माइंड में सिर्फ क्योस कर रहे हैं। मैंने ऐसा करा था ऑडिट के एग्जाम में, मैं लास्ट तक पढ़े जा रही थी प्रीवियस अटेम्प्ट में, एंड आई एंड अप मिसिंग इन द पेपर। पेपर में जो इजी क्वेश्चन थे वो भी मुझे समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं इतना दिमाग में इतना क्योस करके लास्ट मोमेंट तक पेज शफल कर रही हूँ, दैट वो आई वॉज इन अ भागा दौड़ी वाला टोन। तो डोंट डू दैट, शांत रहिए, जितना पढ़ लिया, हैव फेथ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो किसी से बात ना करें। आपको कोई फ्रेंड है, दूर से स्माइल कर लीजिए। डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इनटू एनी कन्वर्सेशन कि ये पढ़ा क्या, वो पढ़ा क्या, वो वाला फॉर्मूला देखा क्या, वो वाला कॉन्सेप्ट देखा क्या। अगर उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपने नहीं पढ़ रखा है, वो आपके छोड़े हुए वाली लिस्ट में से है, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और वो उस गिरे हुए कॉन्फिडेंस के साथ आप सोच लीजिए कि आप पेपर कैसे अप्रोच करेंगे फिर। इसलिए डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इनटू एनी कन्वर्सेशन। एंड इवन आफ्टर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद, आप किसी तरह की कन्वर्सेशन में खुद को इंडल्ज ना करें, क्योंकि अगर कोई आंसर आपको लगा आपका गलत हो गया है या आपने बाहर डिस्कशन किया पेपर का आके, दैट विल श्योरली गोना इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस ऑफ द नेक्स्ट पेपर। तो वो मत करना, वो भी मैंने किया था और उससे मेरा परफॉर्मेंस अगला ख़राब हुआ था। SFM का पेपर जब बहुत टिपिकल आया था, मैंने बाहर आई, मैंने डिस्कशन करा और उसने मेरा नेक्स्ट ऑडिट के लिए सारा मूड ख़राब कर दिया था। तो डोंट डू दैट, जो हो गया पेपर हो गया। इस बार मेरा ऑडिट का थोड़ा नॉट सो गुड पेपर गया था, पर मैंने बाहर आकर कुछ नहीं बोला पेपर गंदा गया, ये आई वॉज इन दैट जोन कि मैं बस पास हो रही हूँ इस बार, चाहे 40 ही आए पर मुझे नहीं पता मैं इस बार पास हो रही हूँ। से योरसेल्फ दिस, अगर जस्ट इन केस कोई पेपर अप टू द मार्क ना भी जाए, डोंट टेल एनीवन कि मेरा पेपर ऐसा हो गया वैसा हो गया। से योरसेल्फ कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, 40 तो आ ही जाएंगे, अगर बहुत टिपिकल भी हुआ तो 40 आ जाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद एक चीज़ कि मान लीजिए पेपर बहुत इजी आ गया कोई, तो एक्साइटमेंट में सिली मिस्टेक मत करना। इस बार अभी लास्ट टाइम SFM का पेपर बहुत इजी आया था, पर कुछ लोगों ने आउट ऑफ एक्साइटमेंट सिली मिस्टेक्स कर दिए एंड दे एंड अप लूजिंग द अटेम्प्ट। उनके 40-50 के बीच में आए, जहां वो 70 पे ला के एग्रीगेट उनका सही हो सकता था, वहाँ 40-50 में उनके मार्क्स रह गए। तो इसलिए एक्साइटमेंट में पेपर में गड़बड़ मत करना। और अगर पेपर टिपिकल आ गया, तो पहली चीज़, टिपिकल वो सबके लिए आया है, इट्स नॉट फॉर यू, सबके लिए ही आया है वो सेम पेपर। तो इसलिए कुछ ऐसा घबराना मत कि बस मेरे साथ ही कुछ बहुत गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और जब पेपर टिपिकल होता है तो चेकिंग कंपैरेटिवली सही होती है उसमें, तो जितना जो आज तक पढ़ा है, इतना पढ़ा है आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि उसका पेपर कितना भी गंदा आ जाए, आपको उसमें से कुछ पोर्शन वो मिल जाएगा जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो शांति से वो एरिया ढूंढना जो आपने पढ़ रखा है, इंस्टेड ऑफ वरिंग कि मैंने ये नहीं कर रखा वो नहीं कर रखा,
शांति से पहले पेपर में वो एरियाज़ ढूंढना जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। आई एम श्योर आपको वो एरियाज़ मिल जाएंगे और पहले उन्हें ही करना। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आपको 30-40 मार्क्स के वो एरिया मिल जाएंगे जो आपके पढ़े हुए हैं, फिर आप आगे भी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अप्रोच कर पाएंगे। तो इस तरह से टिपिकल पेपर को टैकल करना है आपने। और पेपर अगर अप टू द मार्क नहीं भी होता तो डिस्कस नहीं करना, जैसे कि मैंने अभी बोला। और अभी कुछ दिन पहले मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई थी। उनका एग्ज़ाम था, वो MBBS हैं, उनका आगे MD का एग्ज़ाम था। तो उनके एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को 11 बजे मैंने उनसे बात करी, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही थी, पैनिक हो रहा था कि कल पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा। तो मैंने उनको कुछ बात बताई, कुछ चीज़ें जो मैं किया करती थी अपने एग्ज़ाम टाइम पे, मैंने उनसे वो डिस्कस करी, उनको बोला वो करने को। और नेक्स्ट डे उनके एग्ज़ाम के बाद उनका टेक्स्ट मैसेज आया मेरे पास। तो वो ये स्क्रीनशॉट है, या आप पढ़ सकते हैं कि जो मैंने बताया था, ऑल दोज थिंग्स वर्क्ड फॉर देम। तो वो क्या चीज़ें थी इस ऑडियो में मैं आपको वो बता रही हूँ। तो एक दिन पहले आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ वरिंग कि पता नहीं कल एग्ज़ाम कैसा होगा, पता नहीं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप उस दिन को विजुलाइज करिए या उस दिन के बारे में लिखिए जैसा आप चाहते हैं। मैं पेपर से एक दिन पहले पूरा लिखा करती थी कि कैसा मेरा दिन जाएगा नेक्स्ट। तो मैं एक दिन पहले कैसे लिखती थी कि मैं कुछ लाइंस दे रही हूँ, आप इसे नॉर्मल स्पीड पे सुन लीजिए, आई वांट यू टू फील दैट वाइब थ्रू इट। तो एक दिन पहले मैं उसको इस तरह से लिखती थी कि आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग सो काम, इट्स एन एग्जाम डे एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड दैट विद दिस एग्जाम आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स माई करियर। तो आपका कोई भी लेवल का एग्जाम हो, ये आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। तो वो लाइफ का कोई भी हो सकता है, आप क्वालिफाई करके CA बन जाएंगे, इंटर में हैं तो आप फाइनल में आ जाएंगे। सो इट विल टेक यू अ स्टेप फर्दर इन योर करियर। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग, सो दैट शुड बी एन एक्साइटिंग डे फॉर यू कि एग्ज़ाम डे मुझे एक स्टेप आगे लेके जाएगा मेरे करियर में। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड आई वेंट एंड आई एम सो काम एंड सो आई एम फीलिंग सो सूदिंग थ्रू आउट द डे। आई रीच द एग्ज़ाम हॉल टाइमली, I enter the exam hall and I'm feeling so calm, so peaceful within. I went to my seat, I sat there, I deep breathe, I got the question paper, I opened the paper with a little bit smile and a calm within, and I saw that the questions are very familiar and I know all the questions in the question paper. I'm feeling so good that all the questions are familiar. I know answer of all the questions. I started writing the paper and answers are just flowing from my pen. I'm writing smoothly. I'm writing the paper easily and effortlessly. I'm naturally ticking the right answers in the MCQ. I know every answer. I'm writing the paper effortlessly. I'm writing it smoothly. Every right answer is coming to me naturally. And I'm feeling so good. I'm feeling so great. The paper went great. Thank you, my mind, dear mind, thank you for understanding all this information. Dear mind, thank you for retaining all the information. Dear mind, thank you for recalling all the information in the exam. In those 3 hours, I wrote the best paper. तो मैं इस तरह से कुछ sentences लिखती थी, और जब वो लिखते लिखते I got into the vibe of कि मेरा paper बहुत अच्छा हुआ है, literally वो बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं हर paper से पहले वो लिख कर जाती थी। इससे क्या होता है कि इससे आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन देते हो कि कल का दिन आप किस तरह से चाहते हो कि जाए। तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं, ये आप बोलिए। और मैं ये लिखती थी एक दिन पहले पूरा कि मेरा नेक्स्ट दिन कैसा जाएगा। तो आप इसको और डिटेल में लिख सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जो लैंग्वेज आपको कम्फर्टेबल हो उसमें लिखिए आप इसको। और उसके बाद मैं पेपर जब एग्ज़ाम हॉल के लिए निकलती थी, घर से जब मैं निकलती थी, तो मैं 5 मिनट या 3-4 मिनट बैठकर डीप ब्रीदिंग करके, खुद को शांत करके, अपने माइंड को थैंक यू बोल के जाती थी। मतलब मेरे दिमाग ने इतनी मेहनत करी है पिछले 2-3 महीने से, इतना कुछ पढ़ रहा है, इतना कुछ रिटेन कर रहा है और फिर एग्ज़ाम में रिकॉल करेगा। तो मैं जेन्युइनली ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड फील करती थी, अपने माइंड को थैंक यू बोल के जाती थी कि इससे मैं अपने माइंड को स्पेस दे रही हूँ थोड़ा रिलैक्स करने का, थोड़ा शांत हूँ और मैं वो हॉच पॉच वाली वाइब में नहीं हूँ। तो मैं ये सब करके जाती थी एग्ज़ाम हॉल में। तो
मैं नेचुरली बहुत शांत फील करती थी. एंड वंस यू फील सो काम विद इन, तो आई एम श्योर कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे ही दोगे जब आप शांत हो. तो आपके दिमाग ने आज तक जो भी पढ़ा है वो सब कुछ रिकॉल कर पाएगा, ट्रस्ट मी. 3 घंटे में आपको सब कुछ याद आता है. आप विश्वास करिए और खुद से बोलिए कि मुझे सब कुछ याद आएगा, तो ट्रस्ट मी सब कुछ याद आएगा. आई नो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तो खुद को बोलिए ये चीज़ कि मैंने जो पढ़ा है मुझे सब कुछ याद आएगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा. और मुझे एग्ज़ाम होने के बाद भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे. और रिज़ल्ट पर मुझे आप सबके स्क्रीनशॉट चाहिए, रिज़ल्ट के पास के मेरी मेल पर. आई नो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और आप पक्का 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 पास होने वाले हैं. आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत अच्छे से पेपर लिखो.